आज साड़ी एक्टिविटी है प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करना। इस एक्टिविटी लिए लोड़ींदा समान है दो समान डूंगाई वाली अपारदर्शी कटोरियां, चाहे तुसी दो कम डूंगाई वाले पतीले भी ले सकते हो, दो क्वाइन ते थोड़ा जिहा पानी। तो चलो शुरू करते हैं। सब तो पहला एक खाली कटोरी लैके उदे थले ते एक क्वाइन रखांगे ते उस कटोरी तो हौले हौले असी दूर जावांगे। तुसी देख सकते हो सानू क्वाइन जिहड़ा है वो हौले हौले दिखना बंद हो रहा है। हुण इस बिंदु ते आके क्वाइन पूरी तरह दिखना बंद हो गया है ते इत्थे तुसी रुक जाओ ते अपने सहपाठी की सहायता नाल कटोरी विच हौले हौले पानी पाओ। तो प्यारे बच्चों तुसी देख सकते हो कि सानू जिहड़ा है वो सिक्का मुड़ नज़र आना शुरू हो गया, जबकि असी अपनी पोजीशन जिहड़ी है वो नहीं बदली है। सैकेंड केस दे विच असी दोनों कटोरियां लावांगे, देख सकते हो कि दोनों कटोरियां खाली है ते दोनों कटोरियां दे बॉटम ते असी एक एक क्वाइन रखांगे। तो इस तो दूर हौले हौले दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो तुसी देख सकते हो कि हौले हौले जिहड़ा है क्वाइन दिखना बंद हो रहा है ते इस पोजीशन ते आके क्वाइन जिहड़ा पूरी तरह दिखना बंद हो गया है। इत्थे तुसी रुक जाओ ते किसी भी एक कटोरी विच अपने सहपाठी की सहायता नाल पानी पाओ। तो प्यारे बच्चों तुसी देख सकते हो कि जिहड़ी कटोरी दे विच असीं पानी पाया है उदे विच सिक्का मुड़ नज़र आना शुरू हो गया है, जबकि दूजी कटोरी दे विच सिक्का नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि दूजी कटोरी खाली है। असीं इहदे कोल जाण दी कोशिश करते हैं ते देख सकते हो एक कटोरी खाली है और ये सिक्का जिहड़ा है वो नज़र नहीं आ रहा है, जबकि जिहड़ा दूजा सिक्का हैगा वो सानू नज़र आ रहा है। तो प्यारे बच्चो की तुसी दस सकते हो कि सानू जिहड़ा क्वाइन है वो मुड़ नज़र क्यों आ रहा सीगा? तो प्यारे बच्चो ये सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन कारण है, क्योंकि पानी पाण ते जिहड़े सिक्के की वास्तविक डूंघाई थी वो उपर उठती हुई नज़र आ रही थी सानू, तो ये सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन कारण हो रहा है। तो आज की एक्टिविटी के सिर्फ इतना ही, उम्मीद है तुहानू समझ आया होगा। नमस्कार।